सो वॉट इज़ चार्ल्स लॉ ओके सो सी दिस स्टेटमेंट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्सड मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके सो हियर प्रेशर कैसा है कॉन्स्टेंट है एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके और यहाँ पे जो भी गैस का मास होगा वो कैसा रहेगा फिक्स्ड रहेगा मतलब कॉन्स्टेंट होगा जो भी मोलिक्यूल्स रहेंगे गैस के वो कैसे रहेंगे कॉन्स्टेंट होंगे ओके सो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Expression that is at constant pressure, at constant pressure, okay. Volume is directly proportional to temperature, that is, V is directly proportional to T. ओके okay? अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ेगा अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा बढ़ेगा ओके okay? मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओके okay? सो so, इसे हम एक्सपेरिमेंटली भी देख लेते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर देखिए सपोज मैंने यहाँ पर लिया है कंटेनर यह है पहला कंटेनर यह है दूसरा कंटेनर ओके और यहाँ पर मैंने लिया है वॉल्यूम दैट इज़ फाइव एम एल ओके एंड टेम्परेचर दिया मैंने यहाँ पर टू हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर को मैंने कैलविन में लिया है और प्रेशर जो होगा यहाँ पर वो है वन एटमोसफेरिक प्रेशर ओके और जो वॉल्यूम होगा ओके okay? जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होंगे गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे कॉन्स्टेंट होंगे तो यहाँ पर मोलिक्यूल्स सपोज कीजिए यहाँ पर हैं गैसेस के फाइव मॉलिक्यूल्स ओके नेक्स्ट इसे हम हीट करेंगे इसको मैंने हीटिंग दी टेम्परेचर 200 की तो वॉल्यूम 5 एम था ठीक है देन इसको हम और हीट करेंगे मतलब उसका टेम्परेचर और बढ़ा देंगे हम ओके सो सपोज टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया ओके डैट इज़ 400 हंड्रेड कैलविन ओके एंड हाँ प्रेशर यहाँ पे वन एटमोस्फेरिक प्रेशर लिया था यहाँ पर भी प्रेशर कितना रहेगा वन एटमोसफेयरिक प्रेशर प्रेशर दोनों में कांस्टेंट रहेगा ओके okay? यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को क्या किया बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया जब टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगी तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा ओके okay? बिकॉज़ यहाँ पर टेम वॉल्यूम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊँगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ओके okay? सो so, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा टेन एम एल जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे वो कांस्टेंट होंगे वो सेम होंगे यहाँ पर फाइव मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पर भी फाइव मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे ओके okay? सिर्फ डिफरेंस क्या है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर मैंने टेम्परेचर टू हंड्रेड के लिया तो इसका वॉल्यूम फाइव एम एल था मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके नाउ नेक्स्ट हमको एक्सप्रेशन मिला था चार्ल्स लो का डैट इज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके नेक्स्ट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव कर देंगे हटा देंगे जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल एंड के डैट इज़ कॉन्स्टेंट ओके सो वी को हम एज इट इज़ लिखेंगे वी यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट डैट इज़ के ओके और टी एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर ओके okay, नेक्स्ट इस t को हम v के नीचे लाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा v अपॉन t इज इक्वल टू k ओके okay, k क्या होता है k इज कॉन्स्टेंट ओके देन नेक्स्ट इस v को मैं लूंगी वन तो t भी क्या हो जाएगा वन तो यहां पर मैं लिख सकती हूं v वन बाय टी वन ओके जो v बाय टी है वो के के बराबर है कांस्टेंट के बराबर है ओके इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लूंगी वी के साथ टू तो टी के लिए भी क्या आ जाएगा टू डेट इज वी टू बाय टी टू ओके ये रहेगा हमारा लास्ट इक्वेशन